मैंने तुम लोगों के फन, तुम्हारी कला की बहुत तारीफ सुनी थी, मगर जितनी भी सुनी थी कम सुनी थी। तुम लोगों को मेरी तरफ से कुछ इनाम मिलना ही चाहिए, वो देखो। इसी इनाम की लालच में तुम लोग यहां तक आए हो क्यों मिस्टर विजय? मिस्टर रवि, लेकिन ये इनाम नहीं है, ये तो पनीर का एक टुकड़ा है जो मैंने चूहेदान में इसलिए ला के रखा था कि चूहों को पकड़ सकूं। अगर एक तरफ मैंने तुम्हारे यहां आने की वजह बनाई तो दूसरी तरफ तुम्हारे यहां आने का तरीका भी मैंने ही सोचा था। जगमोहन, इसे मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था। मैं जानता था इसे जख्मी देखकर तुम्हें इसकी सच्चाई का यकीन आसानी से आ जाएगा। वेल डन जगमोहन। थैंक यू सर। तुम लोगों को हारना ही था और मुझको जीतना ही था, इसलिए कि ये बाजी दोनों तरफ से मैं ही खेल रहा था। और अब खेल खत्म हो गया, तुम दोनों मेरे सामने हो और तुम्हारा तीसरा साथी मेरे गार्ड के कब्जे में है। गलत! तीसरा साथी यहां है शाकाल। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारे दो मामूली से प्यादे मुझ पर काबू पा सकते थे तो काफी बेवकूफ आदमी हो। कोई अपनी जगह से हिलने की हिम्मत ना करे। शाकाल, तुम जानते हो मेरा निशाना कभी गलत नहीं होता। अपने आदमियों से कह दो बंदूकें फेंक दें। हाँ तो शाकाल, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, तुम अपनी चाल चल चुके, अब हमारी बारी है। जुल्म और पाप का खेल तो हमेशा जालिमों और पापियों की जिंदगी के साथ ही खत्म होता है। शाकाल, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है, ठहरो। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जमीन पर इन लड़कियों की लाशें पड़ी होंगी। तो अपनी अपनी बंदूकें। बच्चे हो तुम, शाकाल के हाथ में जितने पत्ते होते हैं उतने ही पत्ते उसकी आस्तीन में भी होते हैं। किसका आखिरी वक्त आ गया ये मैं तुम्हें बताऊंगा। Thank you.
आपके बहादुर सिपाही इसी तरफ आ रहे हैं मिस्टर शिव कुमार। अब देखिए यहां बैठे बैठे मैं कैसे इन चिड़ियों का शिकार खेलता हूं। ये क्या? तो आखिर तुम लोग यहां तक आ ही गए, लेकिन और आगे ना बढ़ो तो बेहतर है। अब मेरी उंगली जिस बटन पर रखी है उसे दबाते ही ये कुर्सी, ये औरत हथियार फेंक दो। शकाल, तुम जो चाहे कर लो, लेकिन आज तुम जिंदा नहीं बच सकते। अपना अपना ख्याल है, बचना तो अब तुम्हें है विजय। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसकी उम्मीद न रखता। हिलो मत। की क्या खातिर की जाए? ये जहरीली गैस धीरे धीरे महफिल को और रंगीन बनाती रहेगी।
वाकई जिंदगी में पहली बार बहादुरों से टक्कर हुई है। जिस बहादुरी से लड़े हो बस अब उसी बहादुरी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो शाकाल अब क्या बोलते हो, तुम्हारा खेल खत्म हो गया कमीने? बाजी अब हमारे हाथ में। अपने गुनाहों को याद कर शाकाल, उन तमाम मासूमों को याद कर जिनकी जिंदगी तेरे हाथों में है। क्यों खेल पसंद नहीं आए? तुम तो हमेशा लोगों की जिंदगी से खेले हो ना, अब खुद खिलौना बन के देखो। और अब जिस बटन पे मेरी उंगली है उसे दबाते ही तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारी जिंदगी। नहीं विजय, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या करें आप भाभी, आप चाहते हैं कि हम इसे छोड़ दें? ये शाकाल है भाभी, शाकाल। ये इंसान नहीं, इंसानियत के नाम पर एक भद्दा दाग है। इसने हमारे भाई का खून किया है। हाँ भाभी, ये वही शाकाल है जिसने राकेश की बीवी का खून करके उसके घर को उजाड़ दिया। हाँ शीतल जी, ये वही शाकाल है जिसने आपकी बच्ची को यतीम कर दिया, आपके माथे का सिंदूर बैठा दिया। मैं जानती हूँ कि ये मेरे पति का खूनी है, लेकिन मैंने अपने पति से कानून की इज्जत करना सीखा है, और कानून को अपने हाथ में लेना कानून की इज्जत करना नहीं है। ये सच है कि कातिल है, खूनी है, लेकिन इसे सजा देने का अधिकार हमें नहीं है। लेकिन शीतल जी, क्योंकि 3 मिनट के अंदर ये सारा का सारा जजीरा बम की तरह फट जाएगा। अगर मैं नहीं जीत सका तो किसी को जीतने भी नहीं दूंगा, समझे? मेरा नाम शाकाल।